हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फिर अपनी वीडियो में। तो आज हम फिर एक और वीडियो लेके आए हैं। तो आज हमारा विशेष विषय है गणेश जी के ऊपर। तो गणेश जी चतुर्थी की हार्दिक शुभकामना। तो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है भगवान गणेश। भगवान गणेश को हम इंग्लिश बोलते हैं लॉर्ड गणेशा, लॉर्ड गणेश यानी भगवान गणेश। तो नेक्स्ट है हमारा मिट्टी की मूर्ति। जो मिट्टी की मूर्ति होती है, जो मंदिर और आपने कई जगह देखी होगी, मंदिर में मस्जिद में कहीं भी, तो क्ले आइडल यानी मिट्टी की मूर्ति। नेक्स्ट है हमारा स्थापित करना। स्थापना, जब कोई जगह नया नया मंदिर बना होता है तो वहाँ पर मूर्ति स्थापित करते हैं, तो स्थापित करना को हम इंग्लिश बोलते हैं स्टॉल। स्थापना, स्थापना को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन यानी स्थापना। नेक्स्ट है हमारा दुर्वाघास। दुर्वाघास इसको हम इंग्लिश बोलते हैं बेरमुंडा ग्रास। बेरमुंडा ग्रास यानी दुर्वाघास, जो भगवान के छंड जाता है। या फिर आप इसको बोल सकते हैं स्कच ग्रास। स्कच ग्रास यानी दुर्वाग्रास, जो भगवान के छंड जाता है। अगर आप ये भी नहीं बोलते तो आपको तीसरा वर्ड बोल सकते हैं वायरग्रास। वायरग्रास यानी दुर्वाग्रास। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लड्डू। लड्डू कोई पैसिव वर्ड नहीं है, तो हम इसको इंग्लिश में लड्डू ही बोलेंगे। जो लड्डू भगवान गणेश जी के मनपसंद मिठाई थी। नेक्स्ट है हमारा मोदक। मोदक लड्डू से ज़्यादा मनपसंद है, तो मोदक को हम इंग्लिश बोलेंगे मोदक। ये भी कोई पैसिव वर्ड नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सिंहासन। सिंहासन का इंग्लिश बोलते हैं थ्रोन। थ्रोन यानी सिंहासन। सिंहासन वो है जिस पर गणेश जी विराजमान है। नेक्स्ट है हमारा पंडाल। पंडाल को हम इंग्लिश बोलते हैं मार्क्यू। मार्क्यू यानी पंडाल, जो आपको गणेश चतुर्थी के दिन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मूसक। मूसक, मूसक जो गणेश जी का वाहन है यानी चालक है, उस मूसक को हम इंग्लिश बोलते हैं माउस। माउस यानी मूसक। मूसक यानी चूहा भी होता है। नेक्स्ट है हमारा पूजा की थाली। पूजा की थाली होती है जिसको हम इंग्लिश बोलते हैं वर्कशिप प्लेट। वर्कशिप प्लेट यानी पूजा की थाली। नेक्स्ट है हमारा प्रसाद। प्रसाद को इंग्लिश बोलते हैं ऑफरिंग। ऑफरिंग यानी प्रसाद, जो पूजा होने के बाद दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कपूर। कपूर को हम इंग्लिश बोलते हैं कैंपोर। कैंपोर यानी कपूर, जो भक्त जो ध्यान साधना या फिर भक्ति करते समय या फिर पूजा करते समय काम आता है। नेक्स्ट है हमारा धूप। धूप को हम इंग्लिश बोलते हैं इंसेंस। इंसेंस यानी धूप, जो अगरबत्ती की जगह आप धूप भी लगा सकते हो। नेक्स्ट है हमारा अगरबत्ती। अगरबत्ती को हम इंग्लिश बोलते हैं इंसेंस स्टिक या फिर जॉय स्टिक। इंसेंस स्टिक या फिर जॉय स्टिक, हम आप इन दोनों वर्ड से कुछ भी बोल सकते हैं इसमें। नेक्स्ट वर्ड है हमारा जनेऊ। जनेऊ को हम इंग्लिश बोलते हैं स्क्रेट थ्रेड। स्क्रेट थ्रेड यानी जनेऊ। जनेऊ यानी। नेक्स्ट है हमारा चंदन की लकड़ी। चंदन की लकड़ी को हम इंग्लिश बोलते हैं सैंडल वुड। सैंडल वुड, सैंडल वुड यानी चंदन की लकड़ी। नेक्स्ट है हमारा कलश। कलश को हम इंग्लिश बोलते हैं अन। अन अन यानी कलश। नेक्स्ट है हमारा शंख, जो आपको देखने को मिल रहा होगा, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे कॉन्च। कॉन्च यानी शंख। नेक्स्ट है हमारा पीतल घंटी। जो पीतल घंटी आपके घर पे भी होगी या फिर आपने मंदिर में देखे होगी, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ब्रेस। ब्रेस बेल। ब्रेस बेल यानी पीतल की घंटी। नेक्स्ट है हमारा दीपक। दीपक भी पीतल का होता है या फिर लोहे का कुछ भी होता है, लेकिन दीपक होता है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लैम्प, जिसमें हम बत्ती जलाकर जलाते हैं और भगवान के सामने रखते हैं। नेक्स्ट हमारा रुई की बाती। रुई की बाती को हम इंग्लिश बोलते हैं कॉटन विक। कॉटन विक यानी रुई की बाती, जो बत्ती जलाने काम आता है वो रुई से जला सकते हैं, रुई की बाती से। नेक्स्ट हमारा नारियल। नारियल जो पूजा के सामग्री में आता है, इसको हम इंग्लिश बोलते हैं कोकोनट। कोकोनट यानी नारियल। नेक्स्ट हमारा गुड़ैल। गुड़ैल जो, इसको हम इंग्लिश बोलते हैं हिबिस्कस। हिबिस्कस यानी गुड़ैल, जो भगवान जी गणेश जी की पूजा में चढ़ाया जाता है। नेक्स्ट हमारा जुलूस। जुलूस इसको हम इंग्लिश बोलते हैं प्रोसेशन। प्रोसेशन यानी जुलूस, जो गणेश चतुर्थी के दिन निकाला जाता है। नेक्स्ट हमारा विसर्जन। विसर्जन करते हैं, इसको हम इंग्लिश बोलते हैं इमरेशन। इमरेशन यानी विसर्जन करना, जो नौवे दसवें और ग्यारहवें दिन में किया जाता है। ग्यारहवें दिन में जो विसर्जन किया जाता है, इसको हम इंग्लिश बोलते हैं विसर्जन। विसर्जन करना को इंग्लिश बोलेंगे इमर्स। इमर्स यानी विसर्जन करना।